हेलो विराज, विराज हाय. दिस ब्लॉग इज अबाउट अ डेली गोवा डेली रोड ट्रिप फर्स्ट लेग विच इज डेली टू इंदौर. एंड इन दिस ट्रिप अ व्हीकल इज स्मर्क जीएलई विच हैज अ गुड बूट स्पेस, वन ऑफ इट्स बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट. अच्छा, इस व्हीकल में वी हैव मेड वन चेंज. इसका जो स्पेयर टायर होता है जो कि बहुत छोटा होता है, ट्रांस ओनली फॉर 80 किलोमीटर्स इन इमरजेंसी, तो उसकी जगह हमने एक नॉर्मल टायर रख लिया है विथ रिम, सो दैट कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो विल नॉट गेट इन टू ट्रबल. सो दिस वन चेंज विच वी हैव मेड. एंड डेली टू इंदौर इज 875 किलोमीटर्स विच विल ट्राई टू कवर इन 15 आवर्स. लेट्स सी हाउ इट गोज. विल स्टार्ट अर्ली, विल ट्राई टू रीच अर्ली देयर. आई विल टेक 3 to 4 मिड ब्रेक्स. अब वो कितने मिड ब्रेक्स रहते हैं दैट विल शेयर विद यू ड्यूरिंग द ब्लॉग. कितने मिड ब्रेक्स रहते हैं, कहाँ कहाँ हमने ब्रेक लिया है. अच्छा, दिस इज वन थिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस ट्रिप, वी हैव ओनली वन ड्राइवर, दैट्स माई हस्बैंड. एंड नॉट ओनली फॉर दिस ट्रिप, ही हैज बीन ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप बिकॉज आई डोंट ड्राइव, ही डजंट लेट मी ड्राइव, सो दैट्स द केस. कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो विराज इज देयर, ही विल हेल्प अस. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. विल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग. Yes, we are leaving exactly at 4 a.m. Yes. हाँ, इसमें सो के जाएंगे तो चलना है. अरे यार, आज अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का एडवांटेज रहेगा हमें, हम लोग टाइमली इंदौर पहुंच जाएंगे क्योंकि हमें सनसेट से पहले इंदौर पहुंच जाना चाहिए. दिस विल बी द एडवांटेज फॉर अस कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का. 4 o'clock स्टार्ट किया है तो जो हमारा सनराइज हमें आगरा पे मिलना चाहिए, तब तक हम लोग अंधेरे में चलेंगे. और जो भी कोई ट्रैवल करे सा एडवाइस या सब लोग लेते ही होंगे कि आप जितना अर्ली मॉर्निंग निकलोगे उतना अच्छा रहेगा कि आपका जो फर्स्ट हाफ होता है विदाउट ट्रैफिक निकल जाता है. इंदौर का डिस्टेंस भी 875 किलोमीटर्स है तो आई थिंक हम 2 to 3 मिनट ब्रेक्स तो लेंगे. हाँ, लेना, हाँ बनेगा 2-3 मिनट. जब भी अर्ली मॉर्निंग निकलें तो गाड़ी को एक दिन पहले ही फिट करा लेना चाहिए. इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है आई थिंक इट्स 93 लीटर, जो कि हमने पूरा फुल कराया हुआ है. टायर प्रेशर सारे चेक करा लिया था, इवन स्टेपनी का टायर प्रेशर चेक कराया हुआ है. अच्छा, इसमें जो हमने चेंज किया इस गाड़ी में, स्टेपनी में इसमें जो टायर होता है वो छोटा होता है ओरिजिनल जो होता है, लेकिन हमने उसको चेंज करा, कस्टमाइज करा के हमने प्रॉपर टायर इसमें रखा हुआ विद रिम. सो इन केस अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो वी कैन गेट इट चेंज.
छोटा सा प्रेशर मशीन रख लिया है, पंचर किट रख ली है, एक्स्ट्रा इंजन ऑयल रख लिया है, सारे पेपर्स चेक कर लिए हैं। आई होप आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वन मोर थिंग, हमने सैनिटाइजर भी रख लिया है, 3 to 4 एक्स्ट्रा मास्क भी रख लिए हैं, एंड वन स्मॉल बॉक्स जिसमें कि कोई चेंज देता है तो वी कैन कीप दैट चेंज इन दैट बॉक्स, सो दैट वो चेंज हम बार बार उसको टच ना करें, वो अलग से सेपरेट रखा रहे हमारे पास, उसके बाद सैनिटाइज कर लेंगे। विराज अभी सो चुका है, जैसा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इंफ्लेक्टेबल कार बेड मेट्रेस रखा हुआ, इस पर वो आराम से सोता हुआ जा रहा है। फर्स्ट स्टॉल ऑन यमुना एक्सप्रेस वे एंड वी हैव पेड 415 rupees फॉर द स्टॉल। होना फास्टैग चाहिए था यहाँ पर स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, बट यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे फास्टैग नहीं है, सो आप लोग जो भी ट्रैवल करें यमुना एक्सप्रेस वे पे आप कैश लेके चलिए, दैट विल चेंज बेटर होगा वो आप सबके लिए, मतलब हमारे लिए भी, कि आपको चेंज इधर उधर नहीं करना पड़ता है। अभी सुबह भी टाइम लगेगा अब सनराइज़ होने में, क्योंकि ठंड है बाहर का टेम्परेचर 3.5 degrees centigrade है। हम तो सारी तैयारी करके निकले हैं यहाँ से, ब्लैंकेट्स वगैरह सारा कुछ है, क्योंकि विराज है साथ में। हाँ यहाँ से अपने इंदौर पहुँचते वेदर प्रेजेंट हो जाएगा वहाँ पे, या फिर हम उसके बाद हमारा गोवा है तो गोवा का तो बिल्कुल ही हमें डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा। उसके बाद अब सेकेंड स्टॉल भी अभी कुछ सेकेंड स्टॉल में सेकेंड स्टॉल को क्रॉस करने के बाद में मिलते फर्स्ट डे। अच्छा जिस यहाँ पे अराउंड 11 किलोमीटर्स के बाद लेफ्ट साइड में जो अच्छा यहाँ पे आपको सारे फूड जॉइंट्स मिलेंगे साउथ इंडियन, और जो भी अच्छा खासा फूड जॉइंट्स है यहाँ पे, और तो फैसिलिटीज अच्छी है, साथ में पेट्रोल पम्प भी है, वॉन्ट टू गेट योर टैंक फिल हो गई है, तो सब कुछ यहाँ पे है। तो हम लोग तो यहीं पर ही देख लेते हैं, जब भी हम लोग ग्वालियर जाते हैं या एमपी के जंगल जाते हैं तो फर्स्ट ब्रेक इज क्योंकि यहाँ पे सारा फैसिलिटीज मिलते हैं, इन केस आपको नाइट्रोजन फिल कराना है तो इस पेट्रोल पंप पे नाइट्रोजन भी हो जाता है फिल, अदरवाइज रेस्ट रूम्स और वो सब फैसिलिटीज ठीक हैं। तो कुछ बंद है तो हम छोटा ब्रेक लेंगे, 5 to 10 minutes का ब्रेक लेंगे यहाँ पे। How are you? I'm good. Good. He's sleeping. Daddy? Want to say something? Yeah, maybe. Yeah, we are very close to Agra. It's, I think, near Mathura. Oh, is it near the Mathura? Yep, yep. We crossed the other one. Yep, the last one. Yeah, this is very beautiful. Our saath saath chaand chal raha hai na?
नाउ वी आर अप्रोचिंग आगरा. यमुना एक्सप्रेस वे वी गॉट 3 toll. उसके बाद जो ताज एक्सप्रेस वे भी एक और टॉल मिलेगा जहाँ पे कि आपको अगेन 35 rupees पे करना पड़ेगा, दैट टू कैश. तो अभी हम लोग आगरा में आ चुके हैं और आपको सुबह हो गई है, उजाला हो गया है. और यहाँ जिस रोड पे हम लोग चले ये सारे होटल्स वाली लेन है. यहाँ से ताजमहल भी अप्रॉक्सीमेटली 4 kilometers के अराउंड है. तो यहाँ पे सारे आपको सारे होटल्स ओबेरॉय और ट्राइडेंट ये सारे इसी मतलब मेन सिटी से ना जाके हमेशा इससे आते हैं. इस पर आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलता है, ट्रैफिक स्मूथ ट्रैफिक होता है ड्यूरिंग ट्रैफिक टाइम होता है. अगर आप दिन में भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप सीधा आगरा ग्वालियर हाईवे हिट कर सकते हैं. यहाँ से छोटा सा पैच होता है जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होता है. और यहाँ से आप जो चंबल घाटी देखें वो बहुत ही खूबसूरत है. यहाँ से मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. अभी आप लाइक ग्वालियर आगरा ग्वालियर हाईवे पे हैं तो अभी लाइक धौलपुर आएगा, धौलपुर के बाद से चंबल घाटी, चंबल वैली या मोर स्टोरीज हैं, टेकोइट्स वगैरह कितनी मूवीज बन चुकी हैं बिटवीन दिस धौलपुर एंड मोरेना. कहते थे ये सेफ नहीं है बट मैंने तो यहाँ पे बहुत ट्रैवल किया था, आई तो फाउंड वेरी सेफ. लेकिन लोग उठने उठने पहले एक टाइम पे नहीं होता था सेफ, बट इट्स सेफ ना. बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बन चुका है. पहले तो धौलपुर और मुरैना भी बहुत कंजेस्टेड होता था, लेकिन अब वहाँ पर उन्होंने फ्लाईओवर बन चुके हैं तो इट्स वेरी स्मूथ राइड ना. अब पूरा हाईवे आप ना सीधा आप फिट कर सकते हो मॉर्निंग 7:15 जिसका हम वेट कर रहे थे. तो पूरा सुबह जब लोग कभी भी निकलते हैं तो मैं इसी सनराइज का वेट करती हूँ. तो बहुत ही खूबसूरत सनराइज है. या हमारे साथ साथ चल रहा है लेफ्ट में. ब्यूटीफुल. यहाँ पे सनराइज मिलेगा, शायद हम इंदौर पहुँचते पहुँचते सनसेट मिलेगा. तो ये ट्रैवल की खासियत है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रैवल की आपको ये नेचर की आई होप सनसेट से पहले पहुँच जाएंगे हम लोग इंदौर. अच्छा हम लोग जो प्लान कर रहे हैं हम लोग सिटी में से ना जाके हम लोग हाईवे से या विल टेक द झांसी हाईवे. बोलते हैं कि ये चंबल वैली आ गई है. वेरी ब्यूटीफुल. अगर कभी एक टाइम में बड़े लाइक डाकू रहा करते थे बट बहुत सुंदर है. इट्स लाइक कैनियंस. चंबल रिवर है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स मुरैना पहुँच चुके हैं. तो जो बता रही थी पहले मुरैना में फ्लाई ओवर नहीं था, अभी फ्लाई ओवर हो गया तो इट्स वेरी स्मूथ ना. सब जगह जाएंगे अब तो. नाइस. विराज वो वहीं खाओगे ना फिर थोड़ी तो. हाँ बताओ क्या बात है. एक मिनट. विराज ओ हाँ अच्छा देखो मेरे बच्चे सुबह सुबह उठ गया. विराज हाउ इज द कॉफी. हाय विराज. हाय. एंजॉयिंग. Where are you going? We are going to Goa. Goa. This is our second stop. Amirat. First stop was near Mathura. Now this is the second stop. Yeah. Gwalior. Yeah. And now next we'll be stopping at Guna. Yeah, near Guna. It's a good place. Yeah, it's decent one.
फॉर द सेकेंड ब्रेक कॉफी ब्रेक वी हैड एट शुभम हाईवे टी जो कि एमपी टूरिज्म का है. जस्ट ग्वालियर से जस्ट पहले जब हम झांसी हाईवे के लिए टर्न करते हैं तो इट्स अ गुड प्लेस यू कैन हैव टी कॉफ़ी. हाँ यहाँ पे हमें ऐसे शिवपुरी के जंगल्स आ गए. यहाँ पे हमें एक गाड़ी मिली थी जो कि वो लोग कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे थे एंड हम लोग दिल्ली से गोवा जा रहे तो सब लोग बड़ा मोटिवेट हो गए थे चलो हमारे जैसे और भी लोग हमें मिल रहे हैं रास्ते में. यहाँ पे जंगल्स हैं शिवपुरी के एक माधव नेशनल पार्क करके जो कि लेपर्स के लिए बहुत फेमस है. यू नेवर बीन टू दैट प्लेस बट सोच रहे हैं कि अभी नेक्स्ट कमिंग डेज में यहाँ पे जाएंगे. अभी थर्ड स्टॉप भी आ गया है यहाँ पे ये चौका चूल्हा नाम का जगह है. ये सीम्स टू बी गुड. लंच यहीं पर करेंगे हम लोग घर से ही लेके आए हैं पैक करके लंच तो यहाँ पर हम लोग टी कॉफ़ी लेंगे एज यूजुअल. गुना यहाँ से 35 किलोमीटर पर है. अगर आप कोई अगर घर ट्रैवल करता है तो आप यहाँ पे भी ब्रेक ले सकते हैं. अदरवाइज़ जो गुना से पहले जो एमपी टूरिज्म का है वो भी अच्छा सो यू कैन हैव ब्रेक देयर एज वेल. तो अभी 1 बज रहा है दिन का. टेम्परेचर भी काफ़ी राइज हो चुका है. अच्छी खासी गर्मी हो चुकी है तो हम दिल्ली की सर्दी को छोड़ आए हैं. अब हम इधर इंदौर गोवा वाले मूड में सेट होने वाले हैं. देखते हैं ये कितने ब्रेक्स हो गए हमारे. अभी हमारे दिस इज द थर्ड ब्रेक सो फर सेकेंड थर्ड इंदौर. अब देखते हैं एक ही उसमें पहुँचते हैं या it will take like 5-10 minutes break agar aapne zarurat pade to so indore abhi 310 kilometers dikha raha hai navigation. ye log sab fresh ho gaye hain abis break ke baad mein. viraj bhi jab bhi break hota hai wo uth jata hai otherwise wo aaram se sota hua aaya hai. usko jaise gaadi chalti usko neend aa jati hai to is mamle mein log like hamara bahut usse saath diya hai. he's never traveled us because itna travel kar chuke hain hame iska ye हमारी 5th या 6th हमारी ट्रैवल उसके साथ में एंड ही ट्रैवल 9,000 किलोमीटर टिल नाउ. तो अब ये इसका सबसे लंबा ट्रैवल होगा अभी तक जब से वो हुआ है. ही इज़ जस्ट 1 ईयर ओल्ड. अभी इसका हम लोग फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करके आए शिमला में. ही इज़ जस्ट 1 ईयर ओल्ड और इसने 1 साल में से इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है. ही इज़ द मोस्ट ट्रैवल्ड चाइल्ड ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. बहुत मज़े किए हैं. आई थिंक ट्रैवल अकॉर्डिंग टू मी इज़ द फर्स्ट स्कूल. आप यहाँ पे इतना सीखते हो इतना करते हो. लोग बोलते हैं कि इतने छोटे से बच्चों को ट्रैवल कराने का क्या फ़ायदा. उसको कुछ याद तो रहता नहीं है. अब हम लोग इंदौर हिट कर चुके हैं 5:36 PM. तो हमने बहुत टाइमली हिट कर दिया है इंदौर ना. सनसेट में टाइम है अभी. हाँ हाँ हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है. विवेक के लिए भी बड़ा जो हम लोग पहुँच भी गए. हम लोग यहाँ पे अपने विवेक के कज़न है जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे क्योंकि उस टाइम वैसे अवॉइड किया है होटल्स में स्टे करना पर गोवा में तो हम लोग वहीं करेंगे. बट हाँ यहाँ पे हम लोग इनके घर में स्टे करेंगे. सो आवर ट्रिप हैज़ बीन फैंटास्टिक. वी रीच्ड अर्ली. लाइक हमने सोचा था हम सनसेट तक पहुँचे बट वी रीच अर्ली. वी रीच एट 5:36 PM. वी स्टार्टेड एट 4 रीच एट 5 बिफोर टाइम. सो 15 आवर्स के हमने 14 एंड हाफ आवर्स में ही हमने कितना 4 to 5:30 सो दैट 13 एंड हाफ आवर्स में हमने कम्प्लीट किया. दैट विद प्रॉपर ब्रेक्स. रोड कंडीशन आर रियली गुड. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. हाँ थोड़ा बहुत फूड जो जॉइंट्स होता है उनका थोड़ा बहुत तो वो बहुत लिमिटेड है. तो हमने आपको बताया हुआ है कहाँ पे क्या आपको मिलेगा इस हाईवे पे. सो दोज़ आर वेरी लिमिटेड. वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. हमारे से टाइम पर पहुँचने के बाद हमने 2-3 घंटे का आराम रेस्ट किया है. उसके बाद हमें भैया ने एक इंदौर का टूर दिया एंड देन वी स्लेप 11:30. बात बात करते हुए 11:30 हमें हो गया था सोते सोते. उसके बाद कीपिंग टुमोरोज डे इन माइंड स्लेप्ट अर्ली. अब फिर कल का देखते हैं कल कैसा जाता है. एंड सो दिस वॉज टूडेज रोड ट्रिप व्लॉग. If you want to know anything related with this trip, do let us know. Write us in the comment box. We'll be happy to answer all your queries. Thank you. Ta-ta. Ta-ta. Bye. Bye.